नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं पुष्कर। आज मैं आपको इस वीडियो में टायर की साइज़ के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, चलते हैं टायर पे। एक बाइक का टायर, ये है MRF का नायलॉन जेपर FY2। इसमें साइज़ है ये 100x80x17। तो 100 है जो कि MM की साइज़ में है, जो MM इसकी यूनिट है उसमें है। अब ये 100 है तो ये 100 mm का है। 100 मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, 100 mm की चौड़ाई है। फिर है 80 का मींस है अपना जो ये प्रोफाइल है, जो इस सरफेस से जो ये प्रोफाइल होती है, ये वाली साइड में कितनी चौड़ी है, ये 80 है। और ये जो 17 है, इसका जो ये रेडियस आता है, ये होता है इसमें कितना कितनी चौड़ाई का है। जो ये 17 इंची का टायर है, 17 इंच में टायर है, तो ये 100x80 17 हो गया। ये है 52P। यहाँ पे 52 का मेज़रमेंट है एक टाइप से। 52 मतलब ये कितना वेट झेल सकता है, मतलब कि 52 में इसमें वेट का आता है 52 समथिंग। ये लगभग 250 किलो के करीब झेल सकता है। जैसे 71 में 345 झेल लिया, और 77 412, ऐसे इस प्रकार से अलग अलग टाइप के ये नंबर होते हैं। इनके आगे इनका वेट लिखा रहता है कि टायर कितना झेल सकता है, कितना वेट झेल सकता है। और ये आगे P है, जो P का मतलब जैसे PQRST HV ZR, ये भी आते हैं। तो इनमें ये स्पीड का होता है कि ये कितनी स्पीड तक चलते हैं। जैसे अब ये P है तो ये 140 तक चल सकता है, 150 तक चल सकता है। Q जो कि 160, R 170, S 180, V 240, W 270, Y 300, तो ये अलग अलग रेंज के अल्फाबेट्स स्पीड को बताते हैं कि टायर इतनी स्पीड तक आराम से चल लेगा। इसके ऊपर भी चल सकते हैं, लेकिन ये होता है कि भाई थोड़ा सा उसको जोर आता है टायर को चलने में, एक प्रकार से कहा जाए तो। लेकिन फिर भी इनमें ये है कि नॉर्मली चल जाते हैं। अब एक ये मेरे पास एक पुराना गाड़ी का टायर है, इसका ब्रांड है ब्रिजस्टोन। तो इसमें इसकी साइज़ देखते हैं अपन। इसकी साइज़ है ये 145 17 R13। आर का मतलब है, बाइक वाले में आर नहीं था, लेकिन वो भी रेडियल का ही आता है, लेकिन इसमें आर का मतलब है रेडियल टायर है ये। और ये है ट्यूब टाइप, बाइक वाला ट्यूबलेस था, स्टील बेल्टेड टायर है रेडियल। ये देखिए रेडियल लिख रहा है। अब इसमें 145, इसकी जो 145 mm है, तो इसकी विड्थ आ गई कि ये 145 mm चौड़ा है। और ये जो इसकी 17, ये जो 17 है, इसका 17 ये है, कितनी चौड़ाई है, इसका प्रोफाइल कितना है, 70 mm का है। और ये जो अपना इसका था 13, तो ये 13 में ये आ गया इसका कि 13 इंची टायर है, इसका जो रिम है 13 इंची की है। अब और इसमें अपन देखते हैं DOT, डेट ऑफ टायर, तो इसमें ये है 2905। तो ये जो चार डिजिट होते हैं, इसमें 29 मीन्स 29वां सप्ताह होता है, 29वां जो वीक होता है ये होता है। तो जैसे चार चार सप्ताह में एक महीना होता है, तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कितना है। ये लगभग अगस्त का होगा, शायद अगस्त वाले महीने का है। और 05 05 मतलब जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं उसमें 05 होता है ईयर, इसमें ईयर होता है कि ये 2005 में बना हुआ है। अब अपन एक बड़े टायर की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ चलते हैं। यह एक बड़ा टायर जो कि ये भी ब्रिजस्टोन का ही है। ब्रिजस्टोन में इसकी टायर की साइज़ है ये 205 50 R17। तो ये भी 205 इसकी ये चौड़ाई आ जाती है, और 50 इसका ये प्रोफाइल आ गया। ये लो प्रोफाइल टायर है, और ये 17 इंच के काफ़ी खूबसूरत टायर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 17 इंची का टायर है। ठीक है दोस्तों, ये थी टायर के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप देखते रहें। धन्यवाद।